नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे करते हैं। अभी तक जो हमने टेस्ट किए हैं वो एंटीजन टेस्ट होता है, जो कि RT-PCR टेक्निक के द्वारा किया जाता है, और इसमें हम थ्रोट स्वाब और नेजल स्वाब जांच के लिए वायरल मीडिया में भेजते हैं। इसकी रिपोर्ट आ जाती है 4 से 6 घंटे में, और अब गुरुग्राम में बहुत सारी लैब्स हैं जो ये टेस्ट कर रही हैं। तो यदि हमें फीवर हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो हम अपने फिजिशियन से बात करके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट की सुविधा है SRL लैब में, लाल पैथ लैब में, स्टैंड लाइफ साइंसेज में, कोर डायग्नोस्टिक्स में, और अब मैक्स लैब भी तैयार हो रही है इस टेस्ट को करने के लिए। एक और टेस्ट हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है लॉकडाउन पीरियड का टाइम को यूटिलाइज करते हुए, वो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें कि हम कोरोना वायरस जब हमें इन्फेक्शन देता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करके एंटीबॉडी बनाता है। उसका टेस्ट हम कर सकते हैं जो हमें स्क्रीनिंग में मदद देगा, या फिर उन लोगों के लिए मदद होगी जो कि ऑलरेडी इन्फेक्ट होके और इम्यून हो गए हैं। मतलब वो लोग अगर बाहर जाएंगे, वो लोग अगर रूटीन काम करेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, तो उनसे किसी को इन्फेक्शन होने का रिस्क नहीं होगा, और ये उनके लिए भी अच्छा है जब हम कम्युनिटी की सर्वेलेंस करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे कुछ वर्कर्स हैं, कुछ हमारे लेबरर्स हैं जो माइग्रेट हो गए लॉकडाउन की वजह से और अपने गांव चले गए, पर उसमें हमने ऐसा एस्टिमेट किया है कि कम से कम 3 में से 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो वायरस अपने साथ गांव लेकर गए हों, तो उनमें भी ये एंटीबॉडी टेस्ट बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बहुत से देश बाहर भी एंटीबॉडी टेस्ट करने लगे हैं, USFDA ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इसकी कॉस्ट होगी कम से कम 2 से 3 हजार रुपए के बीच में, पर जल्द ही ये अवेलेबल हो जाएगा, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि कोई भी सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और यदि उनको लगता है तो वो आपको टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।